वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम जेसन है और आज के इस वीडियो में हम बस आर्बिटरेशन का एक टेक्निक देखेंगे जिसका नाम है डेजी चेनिंग मेथड। हम इसके बारे में जानेंगे, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट होते हैं। तो जैसे कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बस और बस आर्बिटरेशन क्या होता है वो एक बार समझाया था, उसका एक क्विक रिकैप ले लेता हूँ मैं कि आपको बता देता हूँ कि बस और बस आर्बिटरेशन क्या है। भाई बस क्या चीज़ है? बस एक क्या बोलते हैं उसको, एक लिंक है दो कंपोनेंट्स के बीच में। अभी समझो यहाँ पर सीपीयू है और समझो यहाँ पर मेरा मेमोरी है। तो बस एक ऐसा रोड है जहाँ से डेटा फ्लो करता है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो इसको बस बोलते हैं। बस आर्बिटरेशन क्या है? फॉर एग्जांपल अभी समझो, जैसे कि पहले मैंने सिनेरियो में लिया था, यहाँ पर एक सीपीयू है, यहाँ पर मेरा मेमोरी है और यहाँ पर मेरा एक और एक डिवाइस है जिसका नाम डीएमए है, बराबर। अभी ये दोनों को, सीपीयू को भी और डीएमए को भी मेमोरी से बात करना है, पर ये जो बस लाइन है वो तो एक ही है, तो फिर दोनों में से किस कौन पहले बात कर पाएगा, किसको ये मिलेगा, क्या बोलते हैं, ये बस लाइन मिलेगा ताकि वो मेमोरी से बात कर पाए। ये दोनों को बात तो मेमोरी से करना है, तो ये कौन डिसाइड करता है? ये ऐसी टेक्निक है आर्बिटरेशन जिससे अपन डिसाइड करते हैं कि ये जो बस है वो किसको मिलना चाहिए। तो उसके बहुत सारे टेक्निक्स है। तो उस सबसे पहला टेक्निक है डेजी चेनिंग मेथड। डेजी चेनिंग मेथड एक सेंट्रलाइज्ड टेक्निक है। सेंट्रलाइज्ड मतलब क्या? ये सबको कौन संभालता है? बस आर्बिटर संभालता है। बस आर्बिटर ये सारे डिवाइसेस को संभालता है। ये अकेला डिवाइस है जो सबकी बातें सुन के उस पर एक्शन लेता है, इसके लिए हम लोग इसको सेंट्रलाइज्ड बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड में हर डिवाइस का अपना एक ओपिनियन रहता है। तो ये सब मैंने एक बेसिक रिवाइज कर लिया कि क्या होता है। तो चलो हम एक एक करके देखते हैं कि क्या होता है एग्जैक्टली। अभी बस आर्बिटरेशन में समझो, एक बस आर्बिटर है वो तो हमेशा होता है, वो कंट्रोल रहता है, और यहाँ पर अलग अलग डिवाइसेस है। ये सबको बस लाइन चाहिए, इसको भी बस लाइन चाहिए, इसको भी बस लाइन चाहिए, इसको भी बस लाइन चाहिए, समझ रहे हो आप? तो अभी समझो अभी मेरा बस है ना, इसके पास है, इसका बस का काम ख़त्म हो गया, तो ये क्या करेगा? अपना बस रिलीज करके किसको देगा? मालिक को देगा, बस आर्बिटर को देगा। तो कुछ टाइम के बाद बस आर्बिटर को एक रिक्वेस्ट आएगा। अभी समझो इसको चाहिए अभी बस का यूज़, बराबर, बस का यूज़ किसको चाहिए? इसको चाहिए। तो यह क्या करेगा? ये मालिक को एक रिक्वेस्ट भेजेगा कि भाई मेरे को बस की ज़रूरत है। और ये दोनों जो लाइन्स है, बस मतलब जिसके पास बस है उसको रिलीज़ करने का और जिसको रिक्वेस्ट करने का, दोनों लाइन सेम है सब लोग के लिए। तो ये सेम लाइन से एक रिक्वेस्ट भेजेगा कि भाई मेरे को बस चाहिए। अभी बस आर्बिटर को पता चल गया दूसरे नंबर वाले को बस की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा? उसको ग्रांट करेगा। अभी बस इसके पास आ चुका है ना, उसके पास इससे बस आ चुका है रिलीज़ करने के बाद, तो क्या करेगा? वो बस दे देगा उसको। कैसे देगा? एक्नॉलेज से। एक्नॉलेज मतलब क्या? ग्रांट। ACK को हम लोग ग्रांट भी बोलते हैं। तो कैसे ग्रांट करेगा? वो बस इसको पास करेगा, वो देखेगा इसका रिक्वेस्ट था नहीं, तो वो आगे पास करेगा। आगे देखा उसने, इसका रिक्वेस्ट था, हाँ इसका रिक्वेस्ट था, मैच हुआ, तो फिर इसको बस का राइट्स मिल गया। अब ये थोड़े टाइम बस यूज़ करेगा और यहाँ से ये रिलीज़ कर देगा बस, वापस इस लाइन से होते हुए इसको दे देगा। वैसे आगे जाकर अगर ये रिक्वेस्ट करेगा इसे, तो इसको बस मिल जाएगा। तो यह था डेजी चेनिंग मेथड। अगर समझो किसी ने रिक्वेस्ट किया है बस को और वो बस है नहीं, मतलब रिलीज़ नहीं हुआ अभी तक, तो उसको वेट करना पड़ेगा जब तक, अनटिल दूसरा कोई इसको रिलीज़ नहीं कर देता। तो यह था डेजी चेनिंग के बारे में। तो ये डेजी चेनिंग मेथड जो है उसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम लोग एक एक करके देखते हैं अभी क्या है। तो एक एडवांटेज है इसका पहला वाला कि ये सिंपल है और ये स्केलेबल है। तो इसका मतलब मैं समझाता हूँ। अभी ये सिंपल टू डिवाइस है ना, अभी समझो यहाँ पर एक कंट्रोलर है, ये तो मेन रहता है, और यहाँ पर छोटे छोटे डिवाइसेस है। अभी इसका काम हो गया, इसने वो चीज़ वापस इसको दे दी, फिर वो चीज़ की ज़रूरत इसको है, तो इसने वो चीज़ यहाँ इसको रिक्वेस्ट करने के बाद ग्रांट कर दी पास करके। तो ऐसा क्या, ये सिंपल है बहुत, समझ रहे हो आप? फॉर एग्जाम्पल इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसमें सिर्फ तीन लाइन्स है, एक रिलीज़ करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए। किसी का काम हो गया तो वो रिलीज़ करेगा, या किसी को कुछ चाहिए तो वो रिक्वेस्ट करेगा, ये रेड वाले लाइन्स यूज़ करके। और अगर बस ने एक्नॉलेज किया, मतलब बस को, बस के पास है अभी रिलीज़ किया हुआ, बस आर्बिटर के पास बस है रिलीज़ करने के लिए, तो वो ग्रांट करेगा। ग्रांट कैसे करेगा? एक दूसरे के साथ पास करके, वो पहले वन को पास करेगा, वन के पास
वन को जरूरत है क्या वो देखेगा, वन को जरूरत नहीं है तो वो वन उसको आगे पास करेगा टू को, टू देखेगा उसको जरूरत है कि नहीं, अगर जरूरत नहीं है तो थ्री को पास करेगा। तो आप देख रहे हो ना कितना सिंपल इसका आर्किटेक्चर है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है, ज़्यादा अपने बस लाइन यूज़ नहीं किए हुए, तो ये बहुत सिंपल है। दूसरा ये स्केलेबल है। स्केलेबल मतलब क्या कि मैं इसमें आगे और डिवाइसेज जैसे ऐड कर सकता हूँ, ये डिवाइस मेरा टू है वैसे मैं एन नंबर ऑफ डिवाइसेज इसको ऐड कर सकता हूँ। सेकेंड, द यूजर्स कैन ऐड एनी डिवाइसेज एनी वेयर अलॉन्ग द चेन। हाँ तो स्केलेबल और ये दोनों पॉइंट सेम ही है, मतलब और डिवाइसेज में ऐड कर सकता हूँ। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके देखते हैं हम लोग। प्रायोरिटी इज पोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ मास्टर, मतलब क्या अभी ये सबसे आगे कनेक्ट हुआ है, सबसे पहले कौन कनेक्ट हुआ है, ये कनेक्ट हुआ है तो सबसे पहले किसका रिक्वेस्ट पहुँचेगा, इसका पहुँचेगा। सबसे पहले रिलीज कौन करेगा, ये करेगा। रिक्वेस्ट मांगने के बाद सबसे जल्दी बस किसको मिलेगा, ग्रांट से इसको ही मिलेगा। तो इसका प्रायोरिटी क्या हुआ, इसका प्रायोरिटी मैक्स हुआ कि नहीं। वैसे जैसे जैसे अपन और डिवाइसेस ऐड करते हैं ना उसका प्रायोरिटी कम कम होते जाते हैं। अभी इसका प्रायोरिटी वन है, इसका प्रायोरिटी क्या रहेगा, टू रहेगा। इसका प्रायोरिटी क्या रहेगा, सबसे लास्ट, सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी इसका रहेगा। क्यों, क्योंकि ये लास्ट में। तो इसका ये डिसएडवांटेज है कि इसका जो प्रायोरिटी है ना जो पास में ही उसको जल्दी देता है, उसका जल्दी सर्विस कर सकता है बस कंट्रोलर, ये एक ड्रॉबैक है। दूसरा क्या है, प्रोपोगेशन डीले। प्रोपोगेशन डीले मतलब क्या, अभी समझो कि किसी ने बस रिलीज कर दिया, बराबर रिलीज करने के बाद उसको एक रिक्वेस्ट आ गया कि भाई मेरे को बस चाहिए, तो बस आर्बिटर को मालूम पड़ गया एक रिक्वेस्ट आ गया करके, तो वो ग्रांट करेगा। ग्रांट के लिए पहले इसके पास जाएगा, ये चेक करेगा कि मेरे को ज़रूरत है कि नहीं, नहीं तो ये आगे भेजेगा, इसको भी ज़रूरत नहीं है तो ये आगे भेजेगा। तो वैसा क्या प्रोपोगेशन डीले होता है, क्योंकि ये चेक करता है ना क्योंकि मेरे को ज़रूरत है या नहीं, तो वैसे वैसे वो प्रोपोगेट कर रहा है आगे, इसकी वजह से प्रोपोगेशन डीले इंट्रोड्यूस होता है। डीले मतलब क्या, अपना टाइम स्लो हो जाता है जो नहीं होना चाहिए, तो वो एक डिसएडवांटेजेस है। और लास्ट क्या है, इफ वन डिवाइस फेल्स एंटायर सिस्टम फेल्स। इसका मतलब भी मैं आपको समझा देता हूँ। अभी समझो इसने रिक्वेस्ट किया है, ये रेड लाइन यूज़ करके इसने रिक्वेस्ट किया है, बस के पास है रिलीज़ किया हुआ सिस्टम, तो बस को क्या करना है, ग्रांट करना है। वो यहाँ पर ग्रांट किया, यहाँ से यहाँ पर ग्रांट हुआ, पर कुछ सर्कमस्टेंस की वजह से ये मर गया, ये ख़राब हो गया, ये चल नहीं रहा। तो अभी यहाँ से यहाँ ये लाइन कैसे चलेगा, उसको यहाँ से यहाँ ग्रांट कौन करेगा, ग्रांट होगा क्या, नहीं होगा, यहाँ से यहाँ पहुँच ही नहीं सकता है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से आपस में कनेक्ट होकर प्रोपोगेट कर रहे हैं ना बस लाइंस को, पर ये इधर से इधर बस लाइन ट्रांसफ़र ही नहीं करेगा बीच में। मतलब एक सिस्टम अगर ख़राब हो जाता है इसमें से तो पूरा सिस्टम ख़त्म हो जाता है इसमें, तो ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो यही था फ्रेंड्स आज का वीडियो मेरा डेजी चेनिंग मेथड के ऊपर। होप ये वीडियो आपको समझा होगा, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट्स रहेंगे तो कमेंट्स करके पूछ लेना, ये वीडियो को एक लाइक देना। तो ऐसे और वीडियोज़ आने वाले तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।